जो भी छात्र एवं छात्राओं ने सेकेंड मेरिट लिस्ट को लेकर इंतजार कर रहे उन तमाम सभी छात्र एवं छात्राओं के लिए बिहार बोर्ड की ओर से सबसे बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। जैसे मैं आप सभी को पता है, बिहार बोर्ड द्वारा प्रथम चयन सूची 11 अगस्त को जारी कर दिया गया और प्रथम चयन सूची के आधार पर सभी स्कूल कॉलेज में एडमिशन लेने का लास्ट डेट जो जारी किया गया था 18 अगस्त 2022 तक, यानी कि आज तक जो है लास्ट डेट जारी किया गया था। क्या इस डेट को आगे की तरफ गया है या नहीं बढ़ाया गया है, बढ़ाया गया है तो किस डेट तक एडमिशन होगा, सेकेंड मेरिट लिस्ट किस डेट को जारी किया जाएगा, कितने बजे जारी किया जाएगा, कहां से और किस प्रकार से डाउनलोड करना है, क्या जो भी छात्र एवं छात्राओं ने स्लाइड अप किए क्या उनका सेकेंड मेरिट लिस्ट में नाम जारी किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, सारा जानकारी आप सभी को इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। तो आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले अपने फ़ोन में कोई सा ब्राउजर ओपन करना है और सर्च टाइप में सरकारी सेंटर लिखकर सर्च कर देना है। अब जैसे सरकारी सेंटर लिखकर सर्च करेंगे सरकारी सेंटर आएगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा, जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं। आपको क्या करना है, यहाँ पर एडमिशन का कैटेगरी दिखेगा, एडमिशन का कैटेगरी पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर आप लोग क्लिक करेंगे डायरेक्ट कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। आप जैसे नीचे आएंगे यहाँ पर देखने को मिल जाएगा इंटर एडमिशन सेकेंड मेरिट लिस्ट डाउनलोड 2022, इस लिंक पर आप सभी को क्लिक कर देना है। अब जैसे इस लिंक पर क्लिक करेंगे डायरेक्ट इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा, सारा जानकारी यहाँ पर दी गई है, आपको ध्यानपूर्वक ऊपर से लेकर नीचे तक पढ़कर समझ लेना है। और जैसे नीचे आएंगे तो यहाँ पर सारा का सारा लिंक भी एक्टिव कर दिया गया है। अब जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, मैं आप सभी को यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर जानकारी दे देता हूँ। जैसे नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप सभी को देखने को अभी ये आर्टिकल जो है जारी हुआ है इंटर में नामांकन ओएफएसएस पर जारी पहली मेगा सूची से सामने आई तस्वीर, गांव में कटअप शहरों से दुगुना, आने की जो यहां पर शहरों से ज्यादा जो यहां पर गांव का कटअप जो यहां पर ज्यादा हो गया है। अब जैसे मैं आप सभी को पता है कि इंटर में नामांकन में इस बार गाँव में अंकों का कटअप शहर से दुगुना है। साइंस ही नहीं आर्ट्स में भी इस बार ग्रामीण क्षेत्र के इंटर स्तरीय स्कूल का पलरा जो यहाँ पर भारी है। ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों ने शहर के बड़े स्कूल कॉलेजों को पीछे छोड़ दिया है, आने की जो यहाँ पर सबसे अधिक संख्या में ग्रामीण क्षेत्र में आने की जो है उस स्कूल कॉलेज में जो यहाँ पर काफ़ी सारे छात्र एवं छात्राओं ने अधिक संख्या में एडमिशन ले रहे अपना गाँव के ही स्कूल कॉलेज में। अब यहाँ पर जो है शहरी क्षेत्र में बहुत ही कम संख्या में जो यहाँ पर एडमिशन ले रहे, अब यहाँ पर कोई भी स्टूडेंट नहीं चाहता है कि मैं दूरी जाऊँ, तो यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों ने अब जो है शहर के बड़े बड़े स्कूल कॉलेजों को जो है पीछे छोड़ दिया है। शहर के बड़े कॉलेजों में साइंस में 70 से 85 पर तो ग्रामीण क्षेत्र में 93 से 60 पर जो है दाखिला हो रहा है, यानी कि इतना परसेंट पर दाखिला हो रहा है। आर्ट्स में शहरी क्षेत्र के कॉलेजों में जो है यहाँ पर 40 से 47 कोटअप है, तो ग्रामीण क्षेत्र में 85 से 90 तक कोटअप जो है गया है, यानी कि सबसे अधिक संख्या में जो है ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल कॉलेज में जो है एडमिशन काफ़ी सारे छात्र एवं छात्राओं ने 90-95% छात्र एवं छात्राओं ने जो है अपने ग्राम पंचायत के ही स्कूल कॉलेज में जो है एडमिशन ले रहे। जिले में इस बार इंटर के नामांकन में सबसे अधिक कोटअप सरकारी प्लस टू स्कूल का रहा है। इंटर नामांकन के लिए ओएफएसएस पर जारी पहली मेगा सूची से यह तस्वीर जो है सामने आई है। इसके साथ ही इस बार अपने ही स्कूल में इंटर में नामांकन का अधिकतम कटअप जिले में 83% जो है ही रहा है। जो है सबसे बड़ी जो है ये अपडेट निकल कर आ रही है कि ये जो है ग्रामीण क्षेत्र में सबसे अधिक संख्या में नामांकन हो रहा है। तो कॉमर्स में भी ग्रामीण क्षेत्र के प्लस टू स्कूल शहर से भी आगे है, आने की जो है ग्रामीण क्षेत्र में अधिक संख्या में जो है आर्ट साइंस कॉमर्स में जो है कॉमर्स संकाय में जो है एडमिशन हो रहा है। बिहार बोर्ड द्वारा 11 अगस्त 2022 के डेट में प्रथम चयन सूची जारी किया गया था। प्रथम मेरिट लिस्ट के आधार पर एडमिशन लेने का लास्ट डेट आज जो है यहाँ पर 18 अगस्त तक जारी किया गया था, बट इस डेट को 22 अगस्त 2022 तक जो इस डेट को बढ़ा दिया गया है। आप लोग जो भी छात्र एवं छात्राओं का प्रथम मेरिट लिस्ट में नाम आया वे जो है 22 अगस्त तक जो है वे एडमिशन ले सकते हैं, और जिनका नहीं आया जो स्लाइड अप किए हैं जिसका स्कूल कॉलेज पसंद नहीं था वे स्लाइड अप किए तो उनका भी सेकेंड मेरिट लिस्ट में नाम जारी किया जाएगा। तो आप लोग इंतजार कीजिए सेकेंड मेरिट लिस्ट को, 22 अगस्त तक एडमिशन होगा, हो सकता है 23 अगस्त को जो है सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी किया जा सकता है। आप जैसे नीचे आएंगे तो सेकेंड मेरिट लिस्ट डाउनलोड करने का लिंक यहाँ पर एक
एक्टिव बे लिंक वन पर क्लिक करेंगे, जैसे इस पर क्लिक करेंगे डायरेक्ट इस प्रकार से इंटरफेस जो है स्टूडेंट लॉगिन जो है यहाँ पर ओपन हो जाएगा। इंटरफेस ओपन होगा, आपको क्या करना है, यहाँ पर जो मोबाइल नंबर डाल देना है, पासवर्ड इस बॉक्स में डाल देना है और नीचे कैप्चा कोड को जो इस बॉक्स में फिलअप कर देना है और लॉगिन पर क्लिक कर देना। अगर पासवर्ड भूल गए तो फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करके आप फॉरगेट कर सकते हैं। अब जैसे लॉगिन पर क्लिक करेंगे आपका डैशबोर्ड जो है ओपन हो जाएगा इस प्रकार से, जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर सारा बायोडाटा जो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर थ्री पट्टी दिखेगा, थ्री पट्टी पर क्लिक करना है और नीचे जो है आपको देखने को मिल जाएगा डाउनलोड इंटीमेशन लेटर। आपको डाउनलोड इंटीमेशन लेटर पर क्लिक करके आप देख सकते हैं, अगर आपका मेरिट लिस्ट नहीं आया होगा तो आपको यहाँ पर डाउनलोड इंटीमेशन लेटर का जो यहाँ पर ऑप्शन नहीं शो करेगा। अब जैसे इस प्रकार से शो करेगा, इस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर इस प्रकार से सेकेंड मेरिट लिस्ट जो है डाउनलोड होकर ओपन हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं सेकेंड मेरिट लिस्ट।